तरफ से ट्रेवलर्स के लिए नए रूल्स लागू किए गए हैं। जो नए रूल्स क्या हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। कनाडा जाने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनको नई जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि सारे फुली वैक्सीनेटेड कैंडिडेट्स को कनाडा में एंटर होने की परमिशन मिल गई है। जिनके पूरी वैक्सीन लगी हुई है वो कनाडा जा सकते हैं। कनाडा जाने वाले सारे यात्री जिनकी उम्र 12 साल या 12 साल से ज्यादा है उनके कोविड-19 की दोनों डोजेज लगी होनी चाहिए अगर उन्होंने कनाडा जाना है। चाहे वो कैंडिडेट कनाडा एयरपोर्ट से पहुंच रहे हैं या फिर शिप के द्वारा पहुंच रहे हैं या फिर ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं, मींस के जो भी कैंडिडेट किसी भी रास्ते वहां पहुंच रहे हैं उनके कोविड-19 की दोनों डोजेज लगी होनी चाहिए। 30 नवंबर से ये भी शुरू किया गया है कि कनाडा से बाहर जाकर 72 घंटे तक वापस जो परत आएंगे उनके लिए कोविड-19 टेस्ट की जो शर्त रखी गई थी उसको हटा दिया गया है। और 30 नवंबर से कुछ कोविड-19 की वैक्सीन है उनको भी मंजूरी दे दी गई है, जैसे कि सिनोफार्म हो गया, सिनोवैक, कोवैक्सीन हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी, ऐसी काफी और भी मेडिसिन है जिनको मंजूरी मिल गई है। इसके रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca वहां जाकर डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको सारी अपडेशन देते रहते हैं। अगर आप ये सारी अपडेशन डेली देखना चाहते हैं, नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं, कनाडा के बारे में नई नई जानकारी लेना चाहते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, कनाडा के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 इस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।